कंस्ट्रक्टर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए काम में आता है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूल टिप। आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि सबसे पहला कंस्ट्रक्टर होता है। प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आर बेसिकली यूज टू इनिशियलाइज योर ऑब्जेक्ट, राइट, हमारे ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए काम में आता है। जो हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है आज, वो होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एज अ नेम सजेस्ट, आप अपने कंस्ट्रक्टर को एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। आप अपने ऑब्जेक्ट्स को कोई एक डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंस्ट्रक्टर। लेट्स जस्ट मेक अ पर्टिकुलर क्लास। लेट्स सपोज मैं एक क्लास बनाती हूँ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में ही पढ़ा है, इसको हम टर्मिनेट कर रहे हैं। इसके आप दो इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई, मैं इंटीजर ही ले रही हूँ। आई एम मेकिंग वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पब्लिक और मैं यहाँ पे फंक्शन बनाती हूँ। दिस कॉम्प्लेक्स इज बेसिकली माय कंस्ट्रक्टर, ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर है। यानी जब भी आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर फंक्शन विल बी कॉल्ड। अब इस फंक्शन का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है और आप इसको कॉल भी बाय डिफॉल्ट ही कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे असाइन कर रही हूँ x इक्वल्स टू जीरो, हम सिंपल टर्म्स में लिखते हैं सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ void show, जहाँ पे हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, मैंने इस क्लास के साथ कुछ भी नहीं किया है। एज यू कैन सी, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर बनाया है कॉम्प्लेक्स, और वो कंस्ट्रक्टर क्या काम कर रहा है, जो भी वैल्यूज आपने ऑब्जेक्ट बनाया उन सारी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहा है, वो भी जीरो से। लेट्स जस्ट शो सी आउट द रियल पार्ट, आप यहीं पे लिख दीजिए x एंड लाइन सी आउट इमेजिनरी पार्ट, या आपने एक कंस्ट्रक्टर को बना दिया। लेट्स जस्ट क्रिएट आर ऑब्जेक्ट्स ए, ठीक है। अब आप कीजिए ए डॉट, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस कंस्ट्रक्टर इज डूइंग। लेट्स जस्ट टर्न ऑन विद आर कमांड प्रॉम्प्ट, नो एरर्स। कैन यू सी, हमने इस प्रोग्राम को कुछ भी नहीं किया। अगर आप इस प्रोग्राम को अपने आउटपुट के साथ कंपेयर करते तो हमारे कोड के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया। हमने क्या बोला, आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो क्या कर रहा था, इनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहा था जीरो से। कोई भी वैल्यू आपने इनिशियलाइज नहीं किए तो भी वो वैल्यूज को उसने जीरो कर दिया। आपने किस लिए, जैसे ही आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑटोमेटिकली ये इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेगा और एक्स और वाई की दोनों वैल्यूज को जीरो कर देगा। अब आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे एम बनाया, अगर आप एम डॉट शो भी करते हैं कंट्रोलर्स, आप यहाँ पे आके वापस रन कीजिए, तो ये एम की भी वैल्यू को जीरो असाइन करेगा। क्यों, क्योंकि आपने बोल दिया है कि जो भी कोड है या जो भी आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, बाई डिफॉल्ट वो इसी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है और उन सारी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दो जीरो। अब आप कहते हो नहीं, मुझे जीरो नहीं इनिशियलाइज करना, मुझे कोई और वैल्यूज इनिशियलाइज करनी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको दे देती हूँ 10 और यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यूज 50 दे देते हैं। लेट्स सी, इसको दे देते हैं यहाँ पे एक और सी आउट सेकेंड ऑब्जेक्ट, ओके, एंड लाइन जरूर लिख दें सो दैट कर्सर ऑटोमेटिकली मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन। तो अब आप देखो दोनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू क्या इनिशियलाइज होगी, 10 50 10 50। तो बाय दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इट्स क्लियर, ये हमारे माइंड में एक चीज सेट हो जाती है कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम होता है वो यही होता है कि आप जो भी वैल्यूज है आपके डेटा मेंबर्स है, उन ऑब्जेक्ट्स की जितनी भी वैल्यूज है, आप जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स है, आप उनको कोई इनिशियल वैल्यू करना चाहते हैं कि ठीक है मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले एटलीस्ट ये सारी वैल्यूज इनके साथ हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज योर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कोई भी पैरामीटर्स आपने इसके अंदर पास नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया, इसलिए हम इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो अगर हम सिमिलर पैटर्न की बात करते तो रिक्वायरमेंट कहाँ होती, रिक्वायरमेंट इसकी बहुत ज्यादा होती, क्योंकि आपके पास ये तो एक, हम लोग जब समझते हैं कोई चीज को तो हम उसको बहुत छोटे लेवल पे समझते हैं, लेकिन जब हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग पे जाते हैं या जब हम रियल टाइम प्रोग्रामिंग पे जाते हैं तो वहां पे इसका इनिशियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट सपोज आपने एक खाता खुलाया बैंक में, राइट, एक नया कस्टमर आया, तो जब भी वो खाता खुलता है तो सबको बताए कि एक इनिशियल अमाउंट उसके अंदर होना जरूरी है, या आप जीरो बैलेंस अकाउंट हो तो वहां पे आपका वैल्यू जीरो जानी चाहिए ना, तो वहां पे आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। आप चाहते हो कि नहीं, जब भी कोई वैल्यू आ रही, जहां कोई भी, लेट सपोज कोई एक स्टूडेंट है जो स्कूल में एडमिशन ले रहा है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो अगर यूजर कोई भी वैल्यू नहीं डाल रहा है तो ऑटोमेटिकली उसकी, स्टूडेंट की एज 3 एंटर्ड हो जानी चाहिए। तो दैट मीन्स आप कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे उसी टाइम पे ये सारी वैल्यूज इनिशियलाइज हो जानी चाहिए, और वो वैल्यूज डिफॉल्ट है। जब तक कोई वैल्यूज नहीं असाइन हो रही तो एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो जानी चाहिए, तो आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। एक रियल टाइम पे बहुत ज्यादा आप इसको इम्प्लाइड कर सकते हैं, आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं, जहां आप चाहते हो कि
एक प्लेयर एंटर होता है तो नहीं उसकी इनिशियलाइज, जैसे हम कोई गेम्स खेलते हैं तो वहाँ पे प्लेयर्स बनते हैं, हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स बनते हैं, तो जो इनिशियल काउंट होता है या जो आपका इनिशियल वैल्यूज होती है वो सबकी जीरो होती, जैसे जैसे आप उस गेम को प्ले करते तब वो वैल्यूज इंक्रीज होती, तो ये सब वहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हैं। दिस वॉज अ वेरी स्मॉल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन प्लीज कीप लर्निंग। थैंक यू।